But are you supporting the Article 370 to government? That's what he said now. I've told that, I've told you that now. We are for the national unity. संसार दे विच जिहड़े जीव आउंदे ने अपने लई जिंदगी जिउंदे ने अपने परिवार लई जिंदगी जिउंदे ने वो कदे याद नहीं रखे जांदे। याद वो रखे जांदे है जिहड़े समाज लई जिंदगी जिउंदे है, लोकाई लई जिंदगी जिउंदे है, मनुखता लई जिंदगी जिउंदे है, मानवता लई जिंदगी जिउंदे है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिन्हां दे अंतम अरदास दे मौके दे उत्ते आपां सारे अज इकट्ठे होए आ, एक गल दे उत्ते बहुत ठोक के पहरा दिया करदे सी। श्रोमणी अकाली दल दे एजेंडे दी एक मद जिन्हों अक्सर प्रचारिया करदे सी कि इस मुल्क दा भला जिहड़ा है, इस मुल्क दी उन्नति जिहड़ी है, इस मुल्क दी तरक्की जिहड़ी है वो इस गल दे विच छुपी हुई है कि राजा नूं पूर्ण अधिकार जिहड़े आ वो मिलने चाहिए। जे राज मजबूत होणगे तो केंद्र मजबूत होगा, जे राज कमज़ोर हो गए तो फिर केंद्र भी जिहड़ा वो मजबूत नहीं हो सकेगा तो देश भी मजबूत नहीं हो सकेगा। हालांकि जदों ये गल कीती श्रोमणी अकाली दल ने कि राजा नूं वध अधिकार मिलने चाहिए ने, हर राज नूं अपनी भाषा नूं प्रफुल्लित करन दा अधिकार होना चाहिए, हर राज नूं अपने कल्चर नूं प्रफुल्लित करन दा अधिकार होना चाहिए, ते जदों ये गल कीती कईयां ने वक्खवादी भी किया, कईयां ने अतवादी भी किया, कईयां ने भी किया कि राजां दे वध अधिकारां दी गल नहीं करदे, ये हिंदुस्तान नूं भारत नूं तोड़ना चाहुंदे। पर श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमेशा इस गल दे उते डट के जड़ा है वो पहरा दिंदे रहे कि राजा नूं स्वतंत्रता जिहड़ी है, राजा नूं वध अधिकार जिहड़े है वो मिलने चाहिए ने। और जिहड़ी गल 1947 तो लैके हुण तक श्रोमणी अकाली दल करदा आ रहा है, अज भारत दीआं दूजीआं स्टेटां भी करन लग पईआं। ये गल वक्री है कि उन्होंने कोई वक्खवादी नहीं कहता, उन्होंने कोई अतवादी नहीं कहता, पर जदों असी जां सिखां दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने राजां दे वध अधिकारां दी गल कीती ते सानू अतवादी वक्खवादी कह के जिहड़ा सी साडे खिलाफ़ एक नैरेटिव जिहड़ा सी उह सिरजिया गया। जथेदार दयाल सिंह जी कोलियां वाली उन्हां दे वरीने दा उन्हां दे याद दे विच पाठ रखाया सी परिवार ने, उत्थे बादल साहब नाल मिलन दा जिहड़ा है वह समा प्राप्त होया ते कमरे दे विच बैठे उन्होंने बड़ियां खूबसूरत गल्लां कीतियां कि देश किस पासे वध रहा है। वो कहिंदे जिस पासे देश वध रहा है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जिहड़े स्टेट सबजैक्ट ने उन्हां स्टेट सबजैक्टां दे उत्ते जे केंद्र सरकार इसे तरह ही दखल दिंदी रहेगी, अपने वक्खरे कानून जिहड़ा वह बनाउंदी रहेगी, तो ये भारत जिहड़ा आने वाले दिनों बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ये बड़ी वड्डी चिंता की गल है। साध संगत जी, ऐसे नेता ऐसे लीडर जिन्होंने भारत के बाकी सूबे के बड़े लीडर जिहड़ा सी एक मार्ग दिखाया, उन्होंने चले जाने दे नाल पार्टी नूं संगतां नूं उन्हां दे हितुआं नूं घाटा जिहड़ा है वह पैना जिहड़ा है वह सुभाविक है, यकीनन है। पर हमेशा ही ऐसे पुरख जिहड़े ने वो लोक चेत्यां दे विच याद रखे जांदे ने, लोक सिमरतियां दे विच जिहड़े ने वो याद रखे जांदे ने। अज भी लोड़ है कि असी उन्हां दी जिहड़ी सोच है कि पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण वध अधिकार स्टेटां नूं होने चाहिए है, इहदे उत्ते डट के जिहड़ा है वह पहरा देण दी लोड़ है। एक गल वो खास तौर पर यह भी क्या करदे सी कि जिन्ना स्टेट के लोगों की हितां की गल खेतरी पार्टी कर सकती है नैशनल पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि एक स्टेट के लोगों के हित कई बार दूजी स्टेट के लोगों के हितों के नाल टकराते होंगे है। ऐसी पोजिशन दे विच खेतरी पार्टी ही खेतर दे स्टेट दे लोगों की जिहड़ी है बेहतरी लई कम कर सकती है। और यकीनन ये गल 100% सत है, अज जिन्नियां भी हिंदुस्तान दे विच खेतरियां पार्टियां ने इन्हां नूं मजबूत करन दी बहुत वड्डी लोड़ है जे असी स्टेट बचाउणे आ। तां सरदार प्रकाश सिंह जी बादल अज साडे विच नहीं रहे, मैं अपने वल्लों मेरे साथी मानयोग सिंह साहब
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।